अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इकरा न्यूज़ में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। आज बागलकोट के अंदर नवनगर सेक्टर नंबर 2 के जो नया मकतब खुला है, वहां पर महलिंगपुर के आयशा मोमिन इकरा फाउंडेशन वजीर साहेब मोमिन इनकी ओर से उनको 10 डेस्क दिए गए। इसके अंदर बहुत सारे लोग शामिल थे। उस जो कमिटी है फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम पर जो एक कमेटी मौजूद है, उस कमेटी के मेम्बरान और उस कमेटी के सदर और बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसको कामयाब किया। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं फातिमा मकतब का सेक्रेटरी इकबाल कलादगी। मैं इकरा फाउंडेशन का बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। हज़रत फातिमा मकतब का वाइस प्रेसिडेंट आरिफ कलादगी। मैं जो हज़रत फातिमा मकतब के रहमत साहब जो 10 डेस्क जो डोनेट किए हैं, मैं तमाम इकरा फाउंडर का फाउंडेशन का और तमाम फाउंडेशन की टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि बच्चों की तालीम के लिए जो कदम इकरा फाउंडेशन ने हमारे लिए कदम उठाया है, मैं उनका भी एक फाउंडेशन का बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। आज फाउंडेशन को तमाम अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इकरा फाउंडेशन को क्या कामयाबी दे और तरक्की के लिए क्या है आगे रास्ते खोले। मैं मौलाना का शुक्रगुजार करते खत्म मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं फातिमा मकतब सेक्टर नंबर 2 नौनगर फातिमा मकतब का चेयरमैन हूँ। मैंने इकरा फाउंडेशन के बारे में सुना था कि वो ये बच्चों की तालीम के वास्ते बहुत हेल्प करते हैं, इसीलिए हम 4 दोस्त मिलकर हम महानिंगपुर गए। महानिंगपुर जाने के बाद मौलाना हमारा सब तकाजा सुनने के बाद उन्होंने फ़ौरन हमको क्या करे, मायूस नहीं करे, ठीक है इंशाल्लाह हम तुम्हारी मदद करते, क्या होना बोलो तुम ना कहे, हमें डेस्क का तकाजा रखे, इंशाल्लाह डेस्क हमारे पास अब मौजूद है। मैं इतना कहकर इकरा फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है जो मौलाना है उनका शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। मैं हज़रत फातिमा मकतब का खजानजी और मैं इकरा ग्रुप का और इकरा फाउंडेशन हमारे मौलाना साहब का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसा ही हमारी जो तकाजा मौलाना ने सुना फौरन अपने अमल पर लेकर और यहाँ तक भी अपने मानिंगपुर से अपनी गाड़ी करके यहाँ तक भी लेकर के क्या है वो काम को अंजाम दे। मैं बहुत बहुत बी एक बार से उनको शुक्रिया और बधाई देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट इकरा न्यूज़ बागलकोट।